अरे ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई भाई, ट्रेन ये आ रही है, ट्रेन माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ट्रेन का भी मजा ले रहे हैं यहाँ से सारे बच्चे बैठ के। ओ हो, और ये ट्रेन चली गई जबरदस्त। नीचे हाईवे चल रहा है, ऊपर ट्रेन चल रही है। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राशिद अली खान, और आज फिर हम एक जगह आए हैं बारबेक्यू करने। वो बिल्कुल नई जगह है, और वो है भी जद्दा की, और थोड़ी हाइट पे, और उससे जो है व्यू जो है खसरिया का, जो कि यहाँ के हाईवे जो मक्का को कनेक्ट करता है और यहाँ से एयरपोर्ट को, उसका की व्यू भी बहुत प्यारा आता है। और चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ बारबेक्यू में आज क्या क्या कर रहे हैं। ये देखिए व्यू, यह है हाईवे मक्का जद्दा हाईवे, और हम हैं यहाँ पे, ये टॉप पे इस माउंटेन पे। ये देखें ये माउंटेन, और यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है, ठीक है। और प्लस जो है एक और चीज़, सामने जो है ये ट्रेन स्टेशन है, और यहाँ से जो ट्रेन गुजरती है ना, वो हमारे पास से अब गुजर के जाएगी यहाँ से। फातिम भी यहाँ पे मेरे साथ हैं जैसे होते हैं, और आज एक और अच्छी बात यह है कि अम्मी अबू भी साथ हैं। ये देखें अबू यहाँ बैठे हैं, बोल दें कैसे हैं, ठीक है। अबू ने सबको सलाम कर लिया है, जवाब दे दें आप लोग बस, इसलिए कि अबू बोल नहीं सकते हैं। और कोयला हमारा यहाँ रेडी है, और अब चूल्हा लगाते हैं। सारे जल्दी से डालें कोयला। क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या व्यू आ रहा है। नीचे हाईवे, ऊपर हमारा चूल्हा, जबरदस्त भाई जबरदस्त। हाँ भाई हैप्पी भाई, फातिम भी हैप्पी है भाई। ऐसे ऐसे प्लेस पे इनको लेके जाते हैं ना बारबेक्यू करने के लिए, तो खुश नहीं होंगे तो और क्या होंगे। और आज तो अच्छी बात है कि अम्मी अबू भी साथ हैं, तो मैंने कहा रमज़ान से पहले एक बारबेक्यू तो होना चाहिए ना। आज देखिए आपका भाई आज बारबेक्यू में क्या क्या बनाता है, वो सब आप इस वीडियो में आएगा। चलें फिर कनेक्ट रहिएगा, और हम अपना बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं कोयले लाल होने के बाद। ओए होए होए होए, क्या पटाखे निकल रहे हैं भाई, पटाखे माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे में पटाखे निकाल रहे हैं भाई। इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमारे बारबेक्यू में क्या है। सबसे पहले क्या, जैसे हमारी जो है होती है रान जो है मटन की, होल लेग। उसके बाद जो आ गई है मेरी जो फेवरेट जो है ना, अंडरकट की बोटियाँ, ठीक है। और यह आ गई हैं चॉप्स। पूरा सेटअप हमने यहाँ पे अपनी टेबल पर सेट कर दिया था, और आज आपको मैंने इस वीडियो के अंदर जो है ना, आपको एक नया पॉइंट बताने वाला हूँ। वो भी है जद्दा में थोड़े हाइट पे, और यहाँ पे आके थोड़ा सिटिंग प्लेस भी देखें इस तरह के बने हुए हैं, और यहाँ आके जो है बारबेक्यू अफ्तार वगैरह आप रमज़ान में कर सकते हैं, और व्यू भी बहुत अच्छा है। और ये सामने चल रहा है हमारा ट्रेन का स्टेशन आ गया, और ये ट्रेन का ट्रैक है। अब वो जो है ना खुश है यहाँ पे बैठ के, इसलिए ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और जद्दा का टेम्परेचर भी जो है ना अभी 26-27 चल रहा है, और बारबेक्यू का मज़ा करने का जो है ना मज़ा इसी टेम्परेचर के अंदर है। अदरवाइज़ जो है गर्मी के अंदर है ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अभी नेक्स्ट मंथ से गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और हमारा बारबेक्यू बंद हो जाएगा, फिर आगे जब विंटर आएगा, जो फिर वेदर अच्छा होगा, जब भी हम बारबेक्यू करेंगे। तो कैसा लग रहा है अबू? अबू कह रहे हैं बेहतरीन, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, डन, ठीक है जी। और फातिम को भी मिला देते हैं। हाँ भाई फातिम, कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा प्लेस है? बहुत अच्छा प्लेस है, खुश हैं अबू हैं, खुश हैं, जबरदस्त है, अबू कह रहे हैं जबरदस्त। चलें जी, बहुत ही अच्छी बात है। अरे ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई भाई, ट्रेन ये आ रही है, ट्रेन माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ट्रेन का भी मजा ले रहे हैं यहाँ से सारे बच्चे बैठ के। ओ हो, और ये ट्रेन चली गई जबरदस्त। नीचे हाईवे चल रहा है, ऊपर ट्रेन चल रही है। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, आज तो भाई मजा आ गया भाई, मजा। हाँ भाई फातिम कैसा है? ओए होए जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया सारी इसके अंदर, और इसको कर दिया लॉक, और यहाँ से लगा दिया डबल लॉक ठीक वाला हमेशा की तरह। अब ये नहीं खुलेगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट जो किया है ना हमने चॉप से किया है, और चॉप्स बनने के बाद जो है ना फिर हमारा आएगी बारी सीख बोटी की, इसलिए कि मटन रान जो है ना वो बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसको सिर्फ सिर्फ हीट ही देनी होती है, इसलिए हाफ डन जो है हम लोग घर से करके लेके आते हैं स्टीम से। तो कन्वीनियंट रहता है कि टेस्ट में भी अच्छी होती है, और मज़ा आता है उसको खाने के अंदर, जैसे मंदी होती है ना। और हमारे पास जो है उसके साथ जो होते हैं मंदी के राइस, वो भी मौजूद हैं, और वो भी घर के बने हुए हैं। तो सारा चीज़ आज ट्राई करेंगे अभी, और अबू को भी ट्राई करेंगे, अम्मी को भी ट्राई करेंगे। तो है ना जिद्दत आ रही है, और ये ब्रश का काम भी अब ख़त्म कर दिया है चाइना ने जो है ना, ये बना दी है स्प्रे ऑयल के, और जो है ना सिर्फ स्प्रे करें ऑयल का, और ये धुएँ देखें निकलना शुरू हो जाते हैं, खुशबू आने शुरू हो जाती हैं ज़बरदस्त किस्म की मसालों की। ओए हो हो, जो बारबेक्यू का जो लुक है ना, वो जो है आयल डालने के बाद ही पता चलता है कि खुशबू आ रही है, बारबी को कहीं बन रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बारी, और इसको रख दिया है इसके ऊपर ग्रिल पे, और ये इसका थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बोटी ये भी साइड पे रख दी। फिर दोबारा से ओए होए होए, माशाल्लाह फिर मक्का से जा रही है मदीना मुनव्वरा की तरफ ट्रेन,
और हमारा जो बारबेक्यू है ना रेडी हो गया है। और ये देखें मटन जो है होल लेग जो है ये भी तैयार हो गई, फुल और फुल टेंडर हुई हुई है। और इसको जल्दी से ये तो बड़ा मसला है भाई, इसको करीब करना पड़ेगा। ये इसको उठा के इसके ऊपर ला के और ऐसा कर दिया डाक, जब तक जो है ना ये लुक नहीं आया ना इसकी मजा नहीं आता है। देखें इतनी टेंडर हुई हुई है ना ये, एक एक ये देखें हल्का सा यूं करो खत्म। ये देखें जबरदस्त मशा भाई, हमारा प्लेटर तैयार हो गया 45 मिनट्स के अंदर, जिसके अंदर मटन होल लेग है और ये टिक्का बोटी है अपनी अंडरकट की, और ये रिप्स आ गई ठीक है। और जल्दी से निकालते हैं और आपको रिव्यू देते हैं और कैसा बना। और ये राइस जो है ना घर से बना के लेके आए थे हम, तो ये राइस निकाल दिए हैं ठीक है। अच्छा ये राइस निकाल लिए हैं जिसके अंदर ये चॉप्स, ये अंडरकट की बोटियां इसमें डाल दी हैं अबू के लिए, और ये प्लेट बना दी है मैंने अबू के लिए, और ये आ गई है अपनी होल लेग की बोटी। अब अबू को टेस्ट कराते हैं सबसे पहले, इसलिए कि आए हैं विजिट पे और अबू को टेस्ट कराना तो बनता है ना। कहाँ है चमचा लेके आए जल्दी से। सबसे पहले जो है ना मटन जो है ना होल लेग चेक कराते हैं, एक मिनट हम अपने हाथ से चेक कराएंगे। अबू जी ये लो, चलो यार अबू को आ गए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा लेंगे इतनी बड़ी, ओए क्या कहते हैं खा लेंगे, वाह भाई वाह। और ये राइस भी देखें कितने खिले खिले मंदी राइस बने, और ये यखनी के अंदर ही बने मंदी की। अब जो है मैं अपनी प्लेट तैयार करता हूँ, सबसे पहले ले लिया राइस थोड़े से कुकम्बर राइस ठीक है, और हम ले लेते हैं यहाँ से ही तोड़ लेते हैं होल लेग का जो एक पीस, और ये आ गई चॉप्स, और ये आ गई अंडरकट की बोटियाँ ज़बरदस्त, और ये वाली आ गई शाम वाली बोटी, चर्बी वाली गद्दे वाली बोटी। सबसे पहले जल्दी से आपको रिव्यू देते हैं मटन होल लेग का। ओ हो माशाल्लाह तबारकल्ला, क्या टेंडर हुई हुई है ना ज़बरदस्त। ये देख हाँ हाँ हाँ, एक एक रेशा जो है ना ऐसा जा रहा है खिंचता हुआ, और मलाई मलाई लग रही है। बहुत ही डिलीशियस, दिल चाह रहा है कि एक दफ़ा और लेना, बहुत ही जबरदस्त। फातिम आज चेक कराता हूँ, आज फातिम को भी जो है ना एक जो है मटन होल लेग का पीस चेक कराते हैं। वेरी डिलीशियस माशाल्लाह माशाल्लाह। राइस भी चेक कर लेते हैं आप इसके अंडरकट की बोटी के साथ, अंडरकट की बोटी ले ली, फुल बाइट बनाया और इस पे डाला थोड़ा सा लेमन। क्या बात है भाई, क्या टेस्ट आया ना लेमन के साथ, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। और सभी चीज़ें जो है ना बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छी बनी है। और आज लेके आ गए थे पाकिस्तानी मिर्चें, और इसको भी चेक करते हैं इसके साथ। ओह क्या मलेर वाला टेस्ट आया ना मिर्चों का, ओह ज़बरदस्त। जवाब नहीं है भाई, जवाब नहीं है माशाल्लाह। राइस भी बहुत अच्छे हैं, मटन लेग भी अच्छी है, अंडरकट की बोटियाँ भी, रिप्स भी माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और रिप्स भी ले लेते हैं, ये भी फुल टेंडर हुई है। ये तो इतनी गल गई है ना, इतनी टेंडर हुई है ना, ओह क्या बताएं जबरदस्त। चले भाई अपना डिनर को फिनिश करते हैं जल्दी से, और वीडियो के बाद मिलते हैं। आखिरी स्टेप आपको पता है चाय होती है, वो चाय भी आपको दिखाएंगे किस तरह हम बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी तैयार कर ली थी और बनी हुई है दूध पत्ती, बड़ी ज़बरदस्त। ज़रा दिखाएं ज़रा, सुंदी सुंदी माशाल्लाह माशाल्लाह। और खुशबू भी ऐसी आ रही है ना जैसे कोयटा की होटल से आती है ना, खान साहब के वो होटल से, और एक लगाते हैं इसकी चस्की। क्या क्रीमी चाय बनी है ना ज़बरदस्त माशाल्लाह। सारे आप इंजॉय कीजिएगा चाय को मिले। चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।